अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडे आई एम शेयरिंग स्टिच ड्रेस बाय मारिया बी एम्ब्रॉयडर्ड। इसकी हमने अनस्टिच भी वीडियो शेयर की थी, अब हमने कस्टमाइज स्टिच किया है। लेट्स सी हाउ इट इज़। ओके जी, सबसे पहले तो इसकी एम्बेलिशमेंट देख लें। इसकी एम्बेलिशमेंट जो है वो थ्री कलर के पर्ल्स यूज़ हुए हैं इसके अंदर। मरून ड्रॉप्स यूज़ की हैं। सॉरी कि मेरे पास इस वक्त एनले कार्ड नहीं है, एक्चुअली मुझे इसको राइट अवे शिप करना है, तो इसलिए एनले कार्ड मेरे पास इस वक्त नहीं है और इस पर बटन्स भी नहीं लगे हुए। बट हमने जो है थ्री कलर्स के इसके अंदर बीड्स यूज़ किए हैं, ड्रॉप्स सेम इस कलर से मैच करते हुए। देन ऑरेंज कलर के ड्रॉप्स हैं, देन ये कॉपर कलर के ड्रॉप्स हैं जिनको हमने डाई करवाया है, और इसका ज़्यादा काम जो है शर्ट के ऊपर है, सॉरी दुपट्टे के ऊपर है। ये बॉर्डर था जिसको यहाँ से कटवर्क से लगाया है और यहाँ से जो है सिलाई के साथ लगाया है। ये वाला बॉर्डर भी जो है यहाँ से सिलाई के साथ ही लग गया, क्योंकि यहाँ ऊपर जो है ये बॉर्डर बना हुआ था। और ये इसके साइड पैनल से, ये सेंटर पैनल है। सीढ़ी लेस जो है इसके साथ इंक्लूड नहीं थी, हमने सीढ़ी लेस इसकी डाई करवाई है और इसको फिर जॉइंट किया है। सेंटर पैनल सेपरेट थे और साइड पैनल जो है वो सेपरेट था। गला इसका आई डोंट रिमेम्बर के हाँ राइट, गला इसका जो है वो था सेपरेट गला दिया था, तो गला भी अप्लिक हुआ है। जब जैसे कि मैंने बताया कि इस पर जस्ट बटन्स लगने बाकी हैं, क्योंकि मैं अभी इसको जस्ट शिप करने जा रही हूँ, तो मैंने टेलर के पास ही बटन्स लगा के देन शिप कर देना है। उसके बाद इसके स्लीव्स पे भी जो है सीढ़ी लेस, ये इंक्लूड नहीं थी, सीढ़ी लेस हमने डाई करवाई है। ये एक ही बॉर्डर है और स्लीव्स की एम्बेलिशमेंट भी जो है इस तरह से थ्री कलर्स के बीड्स के साथ हुई हुई हैं। ये इसका फ्रंट हो गया और बैक बिल्कुल प्लेन है। बैक पे हमने थोड़ी सी लाइट एम्बेलिशमेंट की है, क्योंकि फ्रंट की जो है काफ़ी हैवी हो गई, बट ये कि एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो इससे ये है कि इसमें वेट जो है वो इक्वल हो जाएगा, तो बैक जो है वो ऊपर की तरफ उठेगा नहीं, लटकेगा नहीं। तो इसकी शर्ट हो गई और लेंथ इसकी हमने रखी है 43 इंचेस। पैंट में हमने चेंज किया है, हमने इसको प्लाजो बनाया क्योंकि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि कस्टमाइज स्टिचिंग करते हैं हम, तो पैंट को जो है प्लाजो बनाया है। जस्ट क्विक रिव्यू क्योंकि टाइम जो है वो शॉर्ट है। दुपट्टे पे अलबत्ता इसकी खासी मेहनत हुई है, वो ये कि पहले तो इसके साथ ये वाला बॉर्डर जो है इंक्लूड था, ये वाला बॉर्डर सिलाई के साथ लगा है, फिर इसके साथ ये ट्रायंगल लेस, ये तो मिल जाती है मार्केट में, फिर हमने ऑर्गेन्जा सेपरेट लेकर जो एप्लीक करता है हमारा, उससे ये सारे सारे स्कैलप बनाए हैं। ये सारा जो है ऑर्गेन्जा से स्कैलप बने हैं। ऑर्गेन्जा को पहले डाई करवाया है दुपट्टे के मैचिंग कलर से, फिर सारे ऑल साइड जो है ये स्कैलप बनाए हैं, और फिर इसकी हैवी एम्बेलिशमेंट्स। इसका जो कॉपर कलर है ये वाला, इस तरह की इसकी सारी लड़ियाँ बनी हुई, तो ये तीन तरह की ये सारी बीड्स को ये सारे डाई करवा के ड्रॉप्स हैं एंड में इसके अंदर राउंड 2-3 साइज़ के जो है पर्ल्स हैं, और ये काफ़ी हैवी हैं। इससे जो है दुपट्टे का वो हो गया, मैं इसको फोल्ड करके रखती हूँ ताकि इसका जो है सही ज़रा बेटर हो जाए। तो दुपट्टे पे इसके बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है, और लेकिन ये कि काफ़ी अच्छा हो गया। इसको एक्चुअली जब कैरी करेंगे, जब शोल्डर पे लेंगे, तो फिर इसका जो है सही से लुक नज़र आएगा। इसके ये जो स्कैलप हैं उसके बीच में जो है ये तीन तरह की वो बने। तो मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था, जब मैंने इसकी अनस्टिच की वीडियो शेयर की थी, तभी मैंने कहा था कि जब ये स्टिच हो जाएगा तो इसकी स्टिच वीडियो शेयर करेंगे। इनफैक्ट दो तीन और भी ड्रेसेस थे जो स्टिच हुए, बट उस वक्त हमें जो है टाइम नहीं मिला कि उनकी स्टिच वीडियो शेयर की जा सकती, बट ये कि इसके लिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो आई थॉट कि इसको शेयर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।